हमारी धरती के पास से रोज हजारों उल्कापिंड गुजरते हैं, पर फिर भी जो उल्कापिंड धरती से नहीं टकराते। अगर जो उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा जाए तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। दोस्तों, ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारी धरती की लाखों सालों से रक्षा कर रही है? ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण इंसानी सभ्यता बची हुई है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नोवल टीवी पर। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे भारी प्लेनेट है। ये प्लेनेट इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वी आराम से इसके अंदर फिट हो सकते हैं। ये पूरा प्लेनेट गैसों का एक समूह है। इस प्लेनेट पर कोई सरफेस नहीं है। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है और हमेशा अमोनिया क्रिस्टल के बादलों से ढका हुआ रहता है, जिसके कारण इस प्लेनेट पर इंसानों का रहना नामुमकिन है। जुपिटर पर एक दिन मात्र 9 घंटे और 55 मिनट का ही होता है, जबकि हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटे का होता है। जुपिटर प्लेनेट की सबसे रहस्यमय चीज द ग्रेट रेड स्पॉट है। ये एक तूफान है जो लाल धब्बे की तरह दिखाई देता है और सैकड़ों सालों से लगातार चल रहा है, और ये इतना बड़ा है कि इसमें आराम से पृथ्वी जैसे 3 प्लेनेट समा जाए। वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि ये तूफान कैसे और क्यों चल रहा है। साल 1994 में दुनिया भर के खगोल शास्त्रियों की नजरें शूमेकर लेवी धूमकेतु पर टिकी हुई थी। ये धूमकेतु बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। इस धूमकेतु को जुपिटर की ग्रेविटी ने जकड़ लिया था और ये धूमकेतु धीरे धीरे जुपिटर की तरफ खींचता चला गया। इस तरह से ये धूमकेतु जुपिटर से टकराया। जब ये धूमकेतु जुपिटर से टकराया था तो इसकी रफ्तार 2,16,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस तेज रफ्तार के कारण एक बहुत विशाल विस्फोट हुआ था और ये धूमकेतु नष्ट हो गया था। दुनिया भर के खगोल शास्त्रियों ने ये घटना साफ देखी थी। जुपिटर की यही खासियत इसे सोलर सिस्टम की सफाई करने वाला प्लैनेट बनाती है, जो लगातार पृथ्वी की रक्षा करता है। तभी तो इसे वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि जुपिटर बाहर से आने वाले उल्कापिंडों को अपनी ओर खींच लेता है। दोस्तों, कुछ खगोल शास्त्रियों का मानना है कि अगर हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर जैसे प्लैनेट और होते तो शायद इंसानों की तरह और भी कई सभ्यताएं अलग अलग प्लैनेट्स पर होती। उनका मानना है कि पहले हमारी गैलेक्सी में हजारों सभ्यताएं रही होंगी, लेकिन किसी न किसी एस्टेरॉयड के टकराने के साथ वो खत्म हो गई होंगी, जिस कारण हमारा अब तक किसी एलियन सभ्यता से संपर्क नहीं हो सका। अंत में आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।